जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 और 7 दिसंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारा CHSL और MTS का बैच स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप अपना श्योर बैच स्टार्ट कर सकते हैं। डेली हमारी करंट अफेयर की वीडियो आती है, उसको आप ज़रूर देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें और विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में किसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो अभी हाल में ही भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, तो काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये किया गया है बंगाल की खाड़ी में। अगर डेट की बात करते हैं तो 1 दिसंबर 2020 को जो है वो इसका प्रशिक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाल में ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? तो DRDO ने जो है वो इसकी क्षमता को बढ़ाकर 450 किलोमीटर जो है वो कर दिया है। तो DRDO के पास जो है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लघु फिल्म को 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो ऐसी कौन सी हमारी शॉर्ट फिल्म है? तो उसका नाम है शेमलेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है, विवाह में पारदर्शिता के लिए जो राज्य एक नया कानून लाने की योजना बना रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका जो है नाम है असम। असम राज्य जो है वो विवाह में पारदर्शिता को लाने के लिए एक कानून बनाने या फिर कानून लाने की योजना कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 किलोमीटर थी, अब कितने तक बढ़ा दी गई है? पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि उसकी क्षमता जो है वो 450 किलोमीटर बढ़ा दी है, और इसमें जो है इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की जो क्षमता है वो 400 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। हमारा फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डेट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को जो है वो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो मनाया जाता है। आपको पता ही है 2 दिसंबर 1984 को जो है वो भोपाल में गैस लीक हुई थी, जिसके कारण हजारों लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी। उसी के लिए जो है वो 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। अगर आपको एक यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि उस गैस का नाम क्या था? तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC जो है वो उसका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का प्रशिक्षण किया है, और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को किस वर्ष तक भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है? तो भारत की एक नई एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसका नाम है रुद्रम 1, उसका प्रशिक्षण हो चुका है और उसको वर्ष 2022 तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट वन है, भारत सरकार के बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल कितने नगद प्रवाह करोड़ रुपए हैं? तो ये है टोटल 10,736 करोड़ रुपए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। नेक्स्ट वन है, किस राज्य ने एक मुश्त 2020 शुरू की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? उसका नाम है गोवा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और विजयपथ डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। डेली हमारी वीडियो देखने के लिए विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।